हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धांत। तो गाइस यार, आज हम इन दोनों स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये वाला, ये दूसरा, ये वूफर के लिए, ये होम थिएटर के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो। तो गाइस यार, पिछली वीडियो में मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल की अनबॉक्सिंग करी थी, वो जाकर देख सकते हैं आप लोग मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्पीकर की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये मैंने बॉक्स को खोल लिया है, देख सकते हैं हमारे पास स्पीकर आ चुका है, बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा आएगा इसमें। तो पहले इसको बॉक्स से निकाल लेते हैं। पहले ये हमारे हाथ में आ गया हमारा स्पीकर, देख सकते हैं साउंड प्लस लिखा हुआ है। इसमें लिखा है स्पीकर के लिए 40 वाट और वूफर के लिए 20 वाट। आप देख सकते हैं साउंड प्लस लिखा हुआ है इसमें। स्पीकर में ठीक ठाक क्वालिटी का साउंड आ जाएगा और अच्छा ही बेस आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, सामने से देख लीजिए इसको, ये देख सकते हैं सामने से आप लोग, बड़ा सा मैग्नेट है इसमें। ये इसका प्लस और ये इसका माइनस टर्मिनल। तो अब इसको रखते हैं साइड में और दूसरे वाला स्पीकर लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारे सामने दूसरा वाला हमारा स्पीकर, क्या ऊपर ये होम थिएटर वूफर लिखा है इसमें। DTH कंपनी से आता है, दिस इज गोल्ड, देख सकते हैं डिजिटल साउंड लिखा है इसमें। ये देख सकते हैं 20 वाट मैक्स और नहीं सॉरी 40 वाट मैक्स और 20 वाट नॉन। देख सकते हैं कितना बड़ा स्पीकर है, 5 इंच के स्पीकर है दोनों ही 5। साइड से देख लो इसे, इसमें बेस तो एक नंबर आने का, ये तो पता चल गया। देख सकते हैं बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बेस आने वाला है इसमें। इसमें होम थिएटर लिखा ही है, देख सकते हैं आप लोग, ज़्यादातर ये होम थिएटर बनाने में काम आएगा। तो अब इसको भी रखते हैं साइड में। तो गाइस यार, अगली वीडियो में इसको बजा कर ट्राई करने वाला हूँ, देख सकते हैं कैसा बजता है हमारा स्पीकर। इसके लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।